वेलकम स्टूडेंट। लॉकडाउन एक पाठ चला डी सी रामगढ़ में सबका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार फिजिक्स प्रमुख। महाराज का टॉपिक है फंडामेंटल एंड डिराइव फिजिक्स एंड सिस्टम ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या है। दीज यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर। ये फंडामेंटल यूनिट जो है यानी कि मूल मात्रा, इन्हें एक दूसरे से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वान्टिटीज आर फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वान्टिटीज के जो यूनिट है इन फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम डिराइव यूनिट। दीज यूनिट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। डिराइव यूनिट जो है इन्हें फंडामेंटल यूनिट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम मीन्स मीटर पर सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एक यूनिट का एक कंप्लीट सेट है जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज दोनों को मेजर कर सकते हैं। और चार प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीजीएस सिस्टम। इस सीजीएस सिस्टम का प्रतिपादन सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। इसे फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। इस सिस्टम में लेंथ मास और यूनिट जो है लेंथ मास और टाइम के जो है यूनिट सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड है, इसी पर यह आधारित भी है। FPS सिस्टम। इस सिस्टम का प्रतिपादन ब्रिटेन में हुआ था और इसे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। और इस सिस्टम में लेंथ मास और टाइम के यूनिट जो है फुट पाउंड और सेकेंड। नेक्स्ट है MPS सिस्टम। ये सिस्टम जो है इसका भी प्रतिपादन फ्रांस में हुआ था और इसे भी फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इसमें लेंथ मास और टाइम के जो मात्रक हैं मीटर किलोग्राम और सेकेंड है। एंड एसआई सिस्टम 1971 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में निर्णय लिया गया कि ऐसा सिस्टम हो जिसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग हो सके, इस सिस्टम को एसआई सिस्टम कहा गया जिसको फ्रेंच नेम इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनाइट से लिया गया है। इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। आइए देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिनके एसआई मात्रक हैं क्रमशः मीटर किलोग्राम सेकेंड टेम्परेचर कैल्विन एंड कैल्विन एम्पियर कैंडेला एंड मोल और इनके सिंबल इधर राइट साइड दिए हुए हैं। अब ये दो हम देखते हैं कि ये लिंग का जो मात्रक है मीटर इसका परिभाषा क्या है। 1 meter इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/29,97,93,450 एक सेकेंड की 29,97,92,498 में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय किए गए दूरी वो 1 meter कहते हैं। 1 kilogram क्या है? 1 kilogram इज अ मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम रेडियम एलॉय प्रिजर्व एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सीवरेज नियर पेरिस। पेरिस में एक प्रोटोटाइप सिलेंडर जो प्लेटिनम रेडियम एलॉय का प्रिजर्व किया हुआ है उसके द्रव्यमान को 1 kilogram का एक स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। हम देख रहे हैं नेक्स्ट 1 second 1 second इज द टाइम टेकन बाय 9,19,26,31,770 ऑसिलेशन ऑफ लाइट इमिटेड बाय सीजियम 133 एटम मीन सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश 9,19,26,21,770 कंपनों में लगे समय को
एक सेकंड करते हैं, हम अब सप्लीमेंटरी यूनिट्स को देखते हैं। रेडियन, इट इज द एंगल, इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय सबटेंडेड सॉरी सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ वन इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। अगर इस आर्क का माप रेडियस के बराबर होगा तो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एक रेडियन के बराबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो आर्क है और ये रेडियस दोनों इक्वल है, तो यहाँ जो कोण होगा थीटा इक्वल टू वन रेडियन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबटेरेडियन। इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। वन सबटेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय इट्स सरफेस विद एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो है एंगल का 3D, ये 3D पैटर्न है। जैसे तरबूज को काटते हैं तो वहाँ जो कोण बनता है वो स्टेरेडियन है, सॉलिड एंगल। यहाँ पे देख रहे हैं इसका ये जो पार्ट है इसका जो मास एरिया है रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। अगर सिर्फ इस एरिया को हम काट के निकाल देते हैं तो रेडियस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दोनों का मान बराबर होगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये एक स्टेरेडियन है, ओमेगा इक्वल टू वन स्टेरेडियन। हम कुछ फैक्टर्स जान लेते हैं। सिंबल, ये 10 के पावर के रूप में इससे हमें सहूलत होगी। जैसे कि हम लोग मैट्रिक सिस्टम में ये है किलो से हम लोग पढ़ चुके हैं, किलो है तो 10^3 किलो, 10^2 है तो 10^1 डेका, इससे ऊपर भी होता है जैसे 10^6 मेगा, 10^9 मेगा, 10^12 टेरा, 10^15 पीटा, 10^18 मेगा, 10^21 डेटा, 10^24 ये तो। और उसी प्रकार हम 10^-1 डेटी पहले से परिचित है, 10^-2 सेंटी एंड 10^-3 मिली। लेकिन इससे नीचे भी कुछ यूजफुल हैं, जैसे 10^-6 माइक्रो, 10^-9 मैंने सिंबल भी दिया है, 10^-12 को, 10^-15 फैमथो, 10^-18 एटो, 10^-21 जेप्टो एंड 10^-24 योक्टो। इसके प्रयोग है जैसे 3 mA को हमें लिखना हो तो ये इसका सिंबल है 3 mA, जैसे करते 3 × 10^-3 5 μV अगर लिखना हो ये इसका सिंबल है। और ये इसको इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं 5 × 10^-6 वोल्ट 8 ns को, ये सिंबल है 8 ns का, इसको इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं 6 pm, ये सिंबल है 6 × 10^-12 m, 5 km 5 km 5 × 10^0 m, नेक्स्ट 7 MW इक्वल टू ये सिंबल 7 MW इक्वल टू 7 × 10^6 m। थैंक यू।